हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो प्रोसेसेस हैं उनके डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट की वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक के कुछ बेसिक्स देखे थे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों था, हम वो पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आज आपको बताएंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। देखो हम पीवी डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ, आपको पीवी डायग्राम से समझाऊँ कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या। ये प्रेशर है, मान लो वाई एक्सिस है, इसमें प्रेशर है हमारे पास, और एक्स एक्सिस में हमारे पास मान लो वॉल्यूम है, ठीक है। अब है क्या कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होता क्या है, एक जैसे मान लो यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है ये, यहाँ पे कुछ प्रेशर है पी वन, वॉल्यूम है वी वन, टेम्परेचर सपोज करो टी वन, और एक स्टेट ये है हमारे पास इनिशियल स्टेट, ओके। और ये सेकंड स्टेट जो है हमारे पास, ये है फाइनल स्टेट। यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ अलग हैं, प्रेशर कुछ अलग है, पी टू है मान लो, टेम्परेचर टी टू है, वॉल्यूम टी टू है, ठीक है। यहाँ पे अलग वेरिएबल्स थे, यहाँ पे अलग वेरिएबल्स हैं, तो एक स्टेट का चेंज होना दूसरी स्टेट में, जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट थी और ये फाइनल स्टेट हुई, तो ये जो प्रोसेस चेंज हो रहा है इसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। मतलब द चेंजिंग ऑफ वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये वैसे बेसिक डेफिनेशन है उसकी, इसका मतलब समझ लो कि है क्या चीज़ है। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली पाँच तरीके के जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब इसके एग्जांपल लेते हैं, पहले इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे उनके लिए। तो जैसे आपको पता है वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वर्क डन का फार्मूला होता है, हमें इस चीज़ के बारे में पता है। तो वैसे बेसिकली वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन, आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब कि अगर हम पाथ चेंज करेंगे तो वर्क डन भी चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी, हम इसमें इस पाथ से गए, ठीक है। अगर हम इस पाथ से जाते तो हमारा वर्क डन अलग होता, इस पाथ से अगर हम इस कंडीशन तक पहुंचते तो हमारा वर्क डन अलग होता। तो मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, मान लो जैसे ये हमने पीवी डायग्राम देखी, ये हमारी कोई कर्व है, कोई प्रोसेस है, इसके अंडर नीचे का जो एरिया होगा पीवी डायग्राम में, कर्व के नीचे का जो भी एरिया होता है वो हमें वर्क डन देता है। जैसे ये कर्व थी, इसके नीचे का ये एरिया है, तो ये हमें वर्क डन बताएगा, ठीक है। हमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे सभी प्रोसेसेस के लिए, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। जैसे वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए इसके ऊपर दो ऐसे कट लगा देते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो अब ये जो था हमें वर्क डन निकालना है, मान लो इसी प्रोसेस के लिए हम जनरल डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना हमें पता है। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर टाइम्स एरिया, ओके। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्स की जगह प्रेशर टाइम्स एरिया इनटू डीएक्स, ओके। ये हमने कर लिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर, हम एक छोटी सी कोई सेक्शन ले रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जब हमें पूरे प्रोसेस का निकालना है, जैसे इसके अंदर पूरी चीज़ का हमें वर्क डन निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स में, ठीक है। आगे हम करते हैं डेरिवेशन, फिर समझ आएगा। अब जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें पाँच प्रोसेस हैं बेसिकली, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं इसे, इसका एक और नाम है, इसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, सॉरी लिखने में मिस्टेक होगी, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। ये जो मैंने आपको बताया था ऊपर, ये प्रोसेस था, ठीक है। अब ऐसे हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं अलग अलग, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे आप सपोज करो ये कंटेनर है, उसमें हम ये कंटेनर है एक मान लो बंद है, इसमें कुछ पड़ा हुआ, कुछ गैस वगैरह पड़ी है मान लो, सपोज करो,
इसे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हीट करने से इन गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, लेकिन हम कंटेनर में इसे हीट कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं हम वर्क डन निकालते हैं। अब जैसे आपको एक चीज़ और बता दो, इसमें पीवी डायग्राम में इस प्रोसेस को कैसे शो करते हैं। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है इस एक्सिस में, ठीक है। अब ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सपोज़ करो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम में, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो ये भी 1 है, ये भी 4, ये भी 4, तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसमें इसलिए से आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस कहा गया है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पीवी डायग्राम में स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब इसके लिए वर्क डन निकालते हैं हम। तो वर्क डन का हमने फार्मूला भी ऊपर देखा था, ये PdV। अब इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ P into dV। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, dV का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि V2 - V1, यही मतलब है हमारे पास dV का। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जो V2 है वही V1 है, तो इसका मतलब कि dV = 0, dV 0 होगा, dV 0 है तो इसका मतलब P into dV भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस केस में वर्क डन 0 होगा, ठीक है। ये था हमारे पास किसके लिए, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब इसी तरह से और भी प्रोसेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 प्रोसेसेस हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कुछ मुश्किल तो है नहीं ये, बस एक बार फॉर्मूले याद कर लो आप इनको, डेरिवेशन से करोगे तो फॉर्मूले कभी नहीं भूलेंगे आपको। अब इसी तरह से जैसे हमने प्रोसेस देखे, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस है जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास, इस प्रोसेस में प्रेशर हमारे पास P = C, मतलब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, जैसे अब हाँ इसे कैसे ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम में। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसे करते हैं चलो। तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो मान लो ये P1, ये P2, मतलब कि कांस्टेंट ही है, तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि प्रेशर की एक्सिस ये है ना, तो इसमें प्रेशर इस तरह से डिनोट करेंगे तो कांस्टेंट आ गया ये। जैसे वॉल्यूम में ऐसे था, प्रेशर में ऐसे, स्ट्रेट लाइन बनेगी, प्रेशर दोनों पॉइंट में कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए हम वर्क डन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वर्क डन का हमें फार्मूला पता है P into dV, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसको करते सॉल्व, अब इसके हम आगे हम कैसे लिख सकते हैं, पी हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, उसे बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन करेंगे हम dV की, तो dV यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लिमिट में करें V1 से V2, तो जब dV की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये V हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना V, अगर हम V1 से V2 करें लास्ट में क्या हो जाएगा, वक्टन किसके बराबर हो जाएगा, P into V2 - V1, तो ये आ गया इसमें, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से ये, कुछ इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं हम मेन आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस देखते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हाँ इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट कि आप क्या एग्जांपल सोच सकते हो, जैसे मान लो हमारे IC इंजन है, मान लो आप बाइक वगैरह चला रहे हो या कार चला रहे हो, उसमें इंजन होगा, इंजन में सिलेंडर्स वगैरह होते हैं जिसमें कंबशन वगैरह होती है, तो उन सिलेंडर्स का टेम्परेचर मान लो, वैसे कि उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट तो होता नहीं है लेकिन तकरीबन कांस्टेंट ही होता है, उसको कह सकते हो कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं सिलेंडर वाली, जैसे मान लो ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मान लो हमारे पास ये कोई पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर गैस है या जो भी है, गैस वगैरह जो भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये पिस्टन जो है इस गैस को कंप्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ ऐसे दबा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो गैस लॉज अब देखोगे तो प्रेशर में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब टेम्परेचर हम कांस्टेंट की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए देखो
जैसे यहाँ पर मान लो कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे अपनी हीट इसको ट्रांसफ़र करेंगे, हीट ट्रांसफ़र के आपने मेथड पढ़े हुए कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, ठीक है। तो ये सारे अपनी हीट जो इनकी इस कंटेनर को ट्रांसफ़र करेंगे और उससे क्या होगा, जो साइड में जो सिलेंडर है, सॉरी, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कम है और यहाँ का सिलेंडर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो हीट ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, तो इसका मतलब कि ये हीट रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर से क्या होगा कि जो पहले टेम्परेचर था वो टेम्परेचर हमें फिर से मिल जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पे कम्बशन का टेम्परेचर था वही अचीव होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो वॉल है हमारी ये कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए, मतलब इसकी दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है इसकी, इसकी वॉल जो है वो कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टर होगी तभी तो ये अलाउ करेगी हीट को पास होने के लिए, वरना हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में कंडक्टर वॉल का मतलब कि डायाथर्मिक वॉल, वॉल शुड बी डायाथर्मिक, ठीक है। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए, सेकंड कंडीशन ये है, ये प्रोसेस स्लो होता है, क्यों, क्योंकि अगर ये फास्ट होगा तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना, अगर ये प्रोसेस फास्ट ही हो जाएगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा कि टेम्परेचर आगे हीट वगैरह ट्रांसफ़र हो सके, तो इसलिए ये प्रोसेस भी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, जैसे हमने वर्क डन बाकी दो केसेस में निकाला, अब इसमें भी वर्क डन निकालते हैं हम। इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो अब इस केस में हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, ठीक है। हम पी वी और टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आर और एम तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो टी भी अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये चीज़ हमको पता लगी कि पी वी सी के बराबर है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू सी ओवर वी, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा प्रेशर पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है, अभी प्रूफ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी वन वी वन, पी टू वी टू, पी थ्री वी थ्री, ये सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्योंकि पी वी ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि वी टू ओवर वी वन, ये वी टू है, वी वन नीचे आ गया और ये पी वन है, ये पी टू इसके नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी वन ओवर पी टू, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमने बाकियों में यूज़ किया था वैसे ही फिर से यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि वर्क डन पी इंटू डी वी है, ठीक है, ये हमने अब जैसे बाकी क्वेश्चंस में यूज़ किया। अब वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब पी की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं सी बाई वी, तो हम वही लिखेंगे सी बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। अब देखो वर्क डन इक्वल्स टू सी तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लेके आओ और फिर अंदर बच जाएगा वन बाई वी डी वी, तो वन बाई वी की इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वी, ठीक है। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट्स वी वन से वी टू तक, क्योंकि ये डी वी तो स्मॉल है ना, तो हमें पूरे में हमें पूरी चीज़ का वर्क डन चाहिए, तो हम कुछ लिमिट्स के अंडर लिमिट करेंगे, तो हम वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वी वन से वी टू, तभी हमें पूरे प्रोसेस का वर्क डन मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया, अब क्या करना है, ये लिमिट्स लगाएंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें नेचुरल लॉग ऑफ वी टू ओवर वी वन आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये वी टू माइनस वी वन हो जाएगा ना, तो लॉग एम माइनस एम क्या होता है, लॉग एम ओवर एन, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई, सिंपल मैथमेटिक्स। अब हमने इसके और कैसे कर सकते हैं इसको आगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब सी हमने हमें पता है पी वन वी वन इक्वल्स पी टू वी टू इक्वल्स सी, तो सी की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो मतलब वर्क डन इक्वल्स टू पी वन वी वन नेचुरल लॉग ऑफ वी टू ओवर वी वन, ये भी लिख सकते हैं, और वर्क डन इक्वल्स टू पी टू वी टू नेचुरल लॉग ऑफ वी टू और वी वन, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको कभी पी वन देगा कभी पी टू देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको फॉर्मूले को यूज़ कर लेना, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको एक और तरीके ढंग से आप इसको कर सकते हो, जैसे जैसे अब ये पी वी, अच्छा एक बार इसके तो मैं फिर आपको समझाता हूँ, यह आया था डब्ल्यू इक्वल्स टू पी वन वी वन नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, ये जो पीछे गया वही वापस लिख रहा हूँ इस पेज में, डब्ल्यू इक्वल्स टू
V2, नेचुरल लॉग V2 और V1, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने पीछे तक अभी तक प्रूफ कर ली। अब इसके बाद देखो, अब हमने पीछे देखा था ये स्टार्टिंग में कि PV=MRT, सबसे स्टार्टिंग में चीज़ हमने देखी PV MRT के बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर P1 V1 P2 V2 की जगह MRT लिख सकते हैं, तो इसको मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MRT नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, ओके। इस तरीके से भी इसको कर सकते हो डेरिवेशन, वो तो आप जितना आगे एक्सपेंड कर सकते हो डेरिवेशन बढ़ा सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। इसको और आगे बढ़ाना डेरिवेशन को अगर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बॉयल्स लॉ से आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, तो वहाँ से प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन इक्वल्स टू MRT नेचुरल लॉग ऑफ P1/P2, ठीक है, क्योंकि V2 का इन्वर्स है ना P2। तो इस तरह से आप ये डेरिवेशन भी लिख सकते हो आप इसको। हाँ, इसकी एक चीज़ और, इसको प्लॉट कैसे करेंगे PV डायग्राम में। ऐसे मान लो ये P है, इस एक्सिस में प्रेशर और इस एक्सिस में ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसको कैसे, रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है इसका इस तरह से, ठीक है। ये है, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे अगर PV डायग्राम में बनाना होगा तो। तो ये इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि हम, आपने देखा स्टार्टिंग से हम इसको क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस की हेल्प से इसको सॉल्व करते जा रहे थे। तो ये ऑब्वियस है कि रियल गैसेस के लिए तो हम लगा नहीं सकते इसे, तो आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, तीन प्रोसेस हो गए। अब हम फोर्थ प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि मतलब कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती इसमें, ठीक है। मतलब कि हीट कंटेंट जो है इसमें वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा वॉल्यूम कांस्टेंट थी, फिर प्रेशर कांस्टेंट, फिर देखा टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इस केस में क्या है कि इस केस में हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब हीट के कंटेंट हमेशा सेम ही रहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। इसके लिए जनरल इक्वेशन होती है PV^raised to power γ = C, जनरल इक्वेशन होती है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर गामा हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं इसे। अब देखो इसकी डेरिवेशन करते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने आपको आइसोथर्मल के लिए बताया था कंडीशंस वगैरह क्या क्या चीज़ होंगे तभी वो होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की वही एग्जांपल लेते हैं फिर से, मान लीजिए वही पिस्टन वाली एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन, ठीक है, ये यहाँ पर गैस है। अब ये इसे कंप्रेस कर रहा है, तो अब हम चाहते नहीं, लास्ट केस में तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना था, तो हम कह रहे थे कि हीट बार ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर वापस मेंटेन हो रहा है। अब इस केस में मैंने कहा कि हीट कंटेंट कांस्टेंट रहते हैं, तो इसका मतलब कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, तभी हीट कंटेंट जो है हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब ये कंप्रेस कर रहा है, अब वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो बाहर लो टेम्परेचर जाने की कोशिश करेगा। अगर हम क्या कर दें, अब इस सिलेंडर को इंसुलेशन कर दें, मतलब इसकी वॉल इंसुलेट कर दें, तो हीट तो नहीं जा पाएगी बाहर। जैसे थर्मस में होता है कि आपकी चाय गर्म, तो चाय गर्म ही रहती थोड़ी देर तक, क्योंकि वो इंसुलेशन होती है बाहर, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। वही केस हमने यहाँ पे कर दिया। तो इसके लिए कंडीशन सिंपल सी कंडीशन है कि जैसे लास्ट उसमें दो कंडीशन थी, इसमें भी दो कंडीशन है। इसमें जो वॉल है वो कंडक्टिव होनी चाहिए, कंडक्टर वॉल मतलब कि हीट ट्रांसफ़र करे, ठीक है। मतलब इसे एडियाबैटिक कह सकते हैं, या फिर एडियाबैटिक वॉल होनी चाहिए। और सेकंड क्या चीज़ है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस था, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा था, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना था। अब ये कौन सा, कैसा प्रोसेस है, ये फास्ट या फिर इसको रैपिड प्रोसेस कह सकते हो, क्योंकि हमें इतना टाइम ही नहीं देना हीट को, कि हमें क्या मतलब, ये प्रोसेस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हीट अपने हीट कंटेंट जो बाहर जा पाएंगे, क्योंकि टाइम मिलेगा तो वो हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगे, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हीट कंटेंट जो है ट्रांसफ़र हो पाए। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसके लिए वर्क डन निकालते हैं जैसे बाकी में निकाला। अब देखो, जैसे आपको पता है PV^γ(C) के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि P=C/V^γ, ठीक है। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि P=C, ये V नीचे आ गया था ना, V^γ, तो ऐसे आ गया। अब V^γ नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके V^−γ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से पहले की तरह करते, जैसे लास्ट केसेस में हमने किया अभी तक, कि वर्क डन हमें पता है किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ P·dV, ये हमें पता है, ठीक है। अब P की जगह हम ये लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं इसे C·V·γ·dV, ये मैंने P की जगह ये चीज़ लिख दी, ठीक है।
और लिमिट आपको बताता हूँ, जैसे हमने लास्ट केस में किया था V1 से V2 लिमिट लगा दी, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसकी, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेस के लिए हमें चाहिए वर्क डन कितना है। तो अब सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो W इक्वल्स टू C कॉन्स्टेंट से बाहर ले आओ, अंदर क्या बच जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा प्लस वन, ये बच जाएगा लिमिट V1 से V2। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो चलो मैं सिंपली करता हूँ इसको, ज़्यादा फास्ट नहीं करता इसको। इसको कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, सी इंटू, अब ये V2 यहाँ पर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, और फिर ओवर माइनस गामा प्लस वन दोनों में रहेगा डिनोमीटर में, तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस का साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बन जाएगा सी इंटू V1 माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कन्फ्यूजन वाली कोई वो बात नहीं है इसमें, ये चीज़ कर ली, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पी वी गामा इक्वल्स टू सी, ये चीज़ है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा, जो भी आगे जितना मर्जी कर लो, ये सब कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं सी की जगह ये चीज़ें करने लगाऊँ, सी की जगह मैं ये चीज़ें लिखूँगा जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आगे, इसके बाद ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको कि वर्क डन इक्वल्स टू सी की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी सी के इक्वल ही है, तो P2 V2 इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस P1 V1 सी की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, V1 की पावर माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा प्लस वन, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसे नोट कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको आगे समझाता हूँ। तो अब देखो आगे वही चीज़ मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, W इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, ओ सॉरी गामा भी आएगा ना यहाँ पर, इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा, ये वही एक्सप्रेशन लिखी जो मैंने लास्ट पेज में भी आपको प्रूफ की थी, वही एक्सप्रेशन दोबारा से लिखता हूँ। अब इसके बाद देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, आगे क्या कर सकते हैं इसको, ये देखो V2 की पावर गामा है, और ये अच्छा करके दिखाता हूँ एक बार आपको, P2 V2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 की पावर माइनस गामा V2 की पावर वन, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, और वैसे ही इसे भी लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा माइनस V1 की पावर माइनस गामा V1 की पावर वन, ऐसे, ठीक है, ओवर माइनस गामा प्लस वन। अब इसे आगे क्या कर सकते हैं, देखो P2, सॉरी यहाँ पे गामा और यहाँ पे भी गामा है, ठीक है, अब ये V2 की पावर गामा है और ये V2 की पावर माइनस गामा, मतलब कि ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और वैसे यहाँ पे V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, P2 V2 माइनस P2 V2 माइनस P1 और ये V1 ओवर माइनस गामा प्लस वन, ठीक है, ये आ गई हमारी डेरिवेशन, वर्क डन इस केस में इतना हो गया। इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये माइनस हटाना, तो वर्क डन इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा प्लस वन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन फिर वही वापस आ गया कि ये हम वही आइडियल गैस लेके कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए वैलिड है वगैरह ये, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और, अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए हम बना दें एक बार PV डायग्राम में, इसकी स्लोप बना दें कैसे बनेगी, इसकी स्लोप ऐसे बनेगी, ठीक है, इस तरह से ये स्लोप बनेगी इसकी PV के पावर गामा इक्वल टू सी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब एक प्रोसेस है जो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि एडियाबेटिक कर्व की स्लोप जो है वो हमेशा बड़ी होती है आइसोथर्मल से। देखो अपने आइसोथर्मल में जो स्लोप बनाई थी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाले में, ये कम थी और इसमें थोड़ी ज़्यादा बनाई है, अब तो स्लोप इसके हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और, लास्ट में जो लास्ट प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वो बता देता हूँ आपको, उसकी डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इसी की तरह है, तो मैं वो बताऊँगा नहीं डेरिवेशन करके, सिर्फ आपको लास्ट में रिजल्ट लिख दूँगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा तो आप खुद से कर लेना, ठीक है, सिंपल है, सेम टू सेम एज इट इज़ इसी की तरह है। तो लास्ट हमारे पास है पॉलीट्रॉपिक
ठीक है। ये इसका जनरल जैसे एडियाबैटिक में था वैसे इसका जनरल जो फॉर्म है वो पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी ए है, और एन हमारे पास है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ट्रॉपिक का मतलब चेंजेस, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर मैं बाकी बात करूँ प्रोसेसेस की, तो अगर इसमें भी वी की वैल्यू को, अगर एन की वैल्यू जो है जैसे जनरली ये रहती है वन और गामा के बीच लाई करती है, ठीक है। अब अगर मैं एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा तो आप देखोगे जो ऊपर प्रोसेसेस थे वो बनते जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं इस इक्वेशन में एन को अगर ज़ीरो पुट करूँ, ठीक है, अगर ज़ीरो ले सकते हैं वैसे, अगर एन को मैं ज़ीरो पुट करूँ तो पी वी ज़ीरो इक्वल्स टू सी ए बन जाएगा, ठीक है। तो वी की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन, एनी थिंग रेज टू पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन, मतलब कि पी इक्वल्स टू सी, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया जो हमने अभी तक पढ़ लिया, ठीक है। तो मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस हमें मिल गया। अगर अब मैं पी, अच्छा वी की वैल्यू का अब मैं क्या पुट करूँ, अगर मैं वी की वैल्यू एन, इस एन की वैल्यू को अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो पी वी की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो वी की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या कि ये बहुत ज़्यादा टर्म, बहुत ज़्यादा चीज़ होगी, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो पी की इसके कंपैरिजन में कम होगी तो पी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि वी इक्वल्स टू सी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये प्रोसेस भी एक हमारे पास आ गया, ठीक है। दो प्रोसेस हो गए, कांस्टेंट प्रेशर वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। अब देखो उसके बाद जैसे हम एडियाबेटिक की बात करते हो तो सिंपल है, पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी, हमें अगर एन को हम गामा पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू सी, तो ये चीज़ बन गई। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कर सकते हैं सारे, मतलब ये जो प्रोसेसेस हैं सारे इसी से निकल रहे हैं, पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी से। तो अब इसकी जो अगर हम वर्कडन की बात कर रहे हैं, पहले इसकी वो बता दूँ मैं आपको कैसे बनेगा स्लोप, इसकी स्लोप थोड़ी इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस प्रोसेस की स्लोप। अब मैं आपको बता दूँ इसके लिए, जैसे कि हमने लास्ट केस में किया था वर्कडन, इसमें भी सेम टू सेम एज इट इज़ है, तो वर्क डन हम इसी से निकालेंगे, पी इंटू डी वी से करके निकालेंगे। तो सी वी जैसे लास्ट केस में करते सेम टू सेम एज इट इज़ है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आएगा क्या लास्ट में, पी टू अगर डायरेक्ट करूँ मैं इसमें तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ओवर एन माइनस वन। देखो एडियाबैटिक में भी सेम आया था, नीचे खाली एन की जगह गामा था और यहाँ पर एन आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसमें एन आएगा। एक डिफरेंस और बता दूँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है कि हीट ट्रांसफ़र भी होता है और वर्क ट्रांसफ़र भी होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ वर्क ट्रांसफ़र ही होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दोनों हो रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है, वर्क ट्रांसफ़र भी हो रहा है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ वर्क ट्रांसफ़र ही हो रहा है, ठीक है। और एक सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग से दो ही चीज़ तरह से इंटरेक्ट करता है, तो हीट ट्रांसफ़र या तो वर्क ट्रांसफ़र, तो पॉलीट्रॉपिक में दोनों हो रहे हैं जबकि एडियाबैटिक में नहीं हो रहा। अब एक सिंपल सी चीज़ है आपको बता दूँ, जैसे पी वी डायग्राम बना रहे हैं हम, अलग अलग प्रोसेस के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अगर देखो अब सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सपेंड होना, देखो यहाँ पे इस तरफ अगर हम जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब क्या एक्सपेंशन हो रही है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे पीछे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, कंप्रेस कर रहे हैं हम उसे, तो वो कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए सिंपल एक ही बार में। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात की जाए, मैं एक्सपेंशन केस में बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ जा रहा हूँ तो एक्सपेंड हो रहा है, अगर उस तरफ जाता तो कंप्रेशन होता। एक्सपेंशन के केसेस में कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हम कैसे लाइन बनाएंगे, ये प्रेशर कॉन्स्टेंट है, देखो यहाँ भी इतना पी वन, यहाँ भी पी वन, यहाँ भी पी वन, यहाँ भी पी वन, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अगर हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ये प्रेशर कॉन्स्टेंट वाला आ गया, ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वाला आ गया, ठीक है। अगर हम अब बात करें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की, तो उसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम बात, ये सारे एक्सपेंशन के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दो और बच गए, एक एडियाबैटिक और एक बच गया था पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक का इस थोड़ा नीचे हो जाएगा ये एन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बनाऊँ इसके लिए एडियाबैटिक के लिए, तो एडियाबैटिक की स्लोप सबसे ज़्यादा होती है, तो ये एडियाबैटिक का इस तरह से बनेगा, ये गामा, एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया, ठीक है। ये था आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही काफ़ी है, बहुत अब बताता हूँ, बता दीजिए उतना,
डेरिवेशंस वगैरह आप कुछ वो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से करो, इनके फॉर्मूले याद करो, इसके बेसिस में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आप इजीली उन्हें क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब जो लॉज हैं बेसिक, जीरो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इन सबके बारे में बताता जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको कुछ साइकिल्स हैं, जो जितनी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल है या रैंकाइन है, इनके बारे में बताऊँगा। तो इस तरह से जो जितनी भी चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो सब चीज़ें बताता जाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि इससे पहले कोई टॉपिक था ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया, जो अभी जहाँ तक पढ़ाया है उससे पहले, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।